अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो तीसरी वीडियो जो हमारी आज की है वो है नदीम सरवर, मैं रहूं या ना रहूं। 2009 की वीडियो है ये, और जैसा कि बताया है कि वो सारी कुछ हमने वीडियो जो अभी पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था, तो चलिए देखते हैं वो क्या बातें हो रही हैं, मैं रहूँ या ना रहूँ 2009। आई होप कि खुशी का ही माहौल हो बस, और क्या उम्मीद करूँ बस, अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही दिल कर रहा है। चलें देखते हैं। या हुसैन या हुसैन महबूब या हुसैन तकबल, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, आए फौज अश्किया मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम बरहाना बदल। जब जोर तक हुसैन 72 को रो चुके, अकबर को रो चुके, अली असगर को रो चुके, एक दोपहर में बाबा फलश्कर को रो चुके, फिर फौज बदनसब से मुखातिब हुए इमाम, हुज्जत तमाम करता हूँ सुन लो मेरा पयाम, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं। फरमाते थे हुसैन के मैं बेकसूर हूँ, रोशन है तुम पे चश्मे पयंबर का नूर हूँ, फाकों से मैं निढाल हूँ, जख्मों से चूर हूँ, जख्मों पे जख्म प्यास की शिद्दत में खाऊंगा, लेकिन मैं नाना जान से वादा निभाऊंगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं। दरिया को तुमने छीन लिया मैंने कुछ कहा, पानी दिखा दिखा के पिया मैंने कुछ कहा, दाग अकबरे जवां का दिया मैंने कुछ कहा, हक पर हूँ मेरे हक में सिना बोल रही है, सुन लो वो अजा मेरी जबां बोल रही है, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं। मकसद है ला इलाह की बका और कुछ नहीं, वादा हो जेरे तेग वफा और कुछ नहीं, इसके सिवा लबों पे दुआ और कुछ नहीं, राजी हूँ मुझसे मेरा खुदा, चाहता हूँ मैं हूँ हुसैन, सबका भला चाहता हूँ मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं। मकसद नहीं है जंग हमारा खुदा गवाह, खत भेज के है तुमने बुलाया खुदा गवाह, बेजुर्म तुमने मुझको सताया खुदा गवाह, खंजर तले बुलंद मैं तकबीर करूँगा, अपने लहू से खाक पे तहरीर करूँगा, मैं रहूँ या न रहूँ, मैं रहूँ या न रहूँ, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूँ या न रहूँ, मैं रहूँ या न रहूँ। मैं अर्ज़ करूँ यज़ीद की बैत नहीं नहीं, बदलूं अजल के डर से शरीयत नहीं नहीं, जीने के बदले छोड़ूं शहादत नहीं नहीं, तुम कौन हो नकाब रुखों से हटाऊंगा, मैं कौन हूँ ये नोके सिना पर बताऊंगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं। आकर दरे खयाम पे ज़ैनब को दी सदा, आए मेरी गरीब बहन करीब आ, ले आखिरी सलाम हुसैन गरीब का,
مقصد ہے میرا کیا یہ سبق سچ کو یاد ہے میری شریک کار مجھے اعتماد ہے میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں زینب تڑپ کے بولی کہ بھیا سمجھ گئی بھیا تیرے اشارے کو بہنا سمجھ گئی میں کیا تیری غریب سکینہ سمجھ گئی خطبوں سے میں ہلاؤں گی قصر یزید کو مرنے نہ دوں گی اب میں کسی بھی شہید کو میں رہوں یا نہ رہوں کڑکتی ہیں بجلیاں زی سے گرے حسین اٹھی سرف آندیاں ناگاہ سر حسین کا آیا سر سنا قرآن سنا کے سید مظلوم نے کہا لو نانا جان وعدہ وفا میں نے کر دیا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں اے سرور و ریحان یہ لمحہ عجیب ہے نیزے پہ لب کشا یہ حسین غریب ہے زینب تمہاری شام غریبا قریب ہے سب کچھ تیرے حوالے ہے اب تم سنبھالنا اپنا خیال رکھنا سکینہ کو پالنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مطلب کہتے ہیں نا کہ ایسی چیزیں سوچ کر یا دیکھ کرنا ایسا دل سے بد دعا نکلتی ہے ان لوگوں کے لیے جب کوئی بیان سنتا ہوں نا ایسا کچھ اور ان کی جانب سے کچھ بھی ان کو مطلب یا مولا حسین علیہ السلام ہو یا مولا علی علیہ السلام ہو ان کے ڈیفینڈ میں جو لائک ان کے اپوزٹ جو لوگ بات کرتے ہیں مسلمان ہو کر دل کرتا ہے ان کا منہ نوچ دوں میں سچ بتاؤں اتنی کھنس ہونے لگ گئی مجھے ارے یار سب سے کامن سی بات ہے ایک ذرا سوچنے والی چیز ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے جس کی حکمرانی ہو اللہ کیا کہتا ہے جس وقت میں جس کی حکمرانی ہوتی ہے اللہ پاک اس حکمران سے بھی پوچھے گا کہ بھائی تمہارے حکمرانی میں ایک مطلب اس کی عوض میں جو بھی آتے ہیں نا وہ سارا سب کچھ اس کے انڈر میں ہوتا ہے ہم نے بہت سارے واقعات بھی سنے ہیں تو ایک بھوکا بھی اگر سو رہا ہے نا تو اس کا ذمہ دار وہ ہے وہ حکمران ہے اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ مجھے یاد آتی ہیں کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں تو میرا نا دل کھول جاتا ہے کہتے ہیں کہ مطلب ادر لیول کی چیزیں اس میں ایک دم بیان کی گئی ہیں جو ایک دم کہتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوتی ہے نا ایک دم انسان کو ہلا دینے والی جو ایک بھی لفظ کوئی نہیں تھے ایسے جس میں ہم کچھ بھی ریگریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ماں بچوں سے اگر ریفلیکٹ کریں تو جو ایک بچے کا غم ہوتا ہے ماں کا وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بہن سے ماں سے سب کچھ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا بھی غم وہ بھی ہے مگر اللہ قربان جاؤں میں حسین علیہ السلام پر کہ ان کے صبر کی انتہا بھی دیکھ لو ان کے صبر کی انتہا بھی اللہ رحم کر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ برقرار رہے اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کی زبان پہ برقرار رہے کہ وہ صبر دکھانا ہے کچھ نہ کرنا ورنہ کیا سے کیا کچھ ہو جاتا بہر اللہ رحیم ہے بہت بڑا ہے وہ انصاف تو ہونا ہی ہے سب کو ایک نہ ایک دن پتہ چلنا ہے ہاں اس ویڈیو کے سٹارٹ میں نے تھوڑا سا وہ اپنا تھوڑا عجیب لگا تھا مجھے جو لگی تھی وہ وہی بتا رہا تھا کہ وہ جو ایک جو بھی فوٹیج چل رہی تھی ماتم سے برہنہ ہو کر وہ
हालांकि मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, लोगों ने रेफरेंस मुझे हज़ार किस्म के दिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो भी ऑथेंटिक रेफरेंस होते हैं वो मुझे आज तक किसी से कोई मिला ही नहीं है, ना मैं आज तक मैं उससे वाकिफ़ हो पाया हूँ। तो मैं कहते हैं ना कि पीछे कुछ और हो और सामने कुछ और हो, वो मैं ऐसा नहीं रहना चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर वो चीज़ है, मैं अंदर से हमेशा रिग्रेट फील करता हूँ कि अगर कोई चीज़ देखी तो मैंने उस पर बोला क्यों नहीं या कुछ कहा क्यों नहीं। तो मैं हक पे बोल रहा हूँ एकदम बिल्कुल सच्ची कि वो चीज़ मुझे नहीं पसंद आती है, और कहीं से चीज़ वो समझ नहीं आती है, ना जाने कैसे वो किस मोहब्बत में वाजे करते हैं, शाह करते हैं, अपने सीनों को काटते हैं, कभी ऐसा नहीं समझ में आता। एक भाई ने मुझे कमेंट में क्या कहते हैं कि आपको सुनकर ये ऐसा फील होता है, तो सोचे हम इसी गम को इस तरह हम अपने आप को फील ऐसे करते हैं कि हम अपने आप को जख्मी करते हैं, या फिर ये कोई लॉजिक हुई या कोई जवाब हुआ इस तरह से। तो जो भी है, अल्लाह के रसूल ने क्या बताया, मौला अली सलाम ने क्या बताया, उस पर हमें अमल करके चलना है। आप खुद तहकीकात करें, पढ़े लिखें, सिर्फ एक लोगों के दरमियान रहकर ना अपने आप को ज़िंदगी को एक मुख्तसर बना लें। माजरत चाहता हूँ किसी को भी इस बात से, मेरी अगर आपको दिल आज़ारी हुई हो तो मैं प्लीज़ माजरत चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। मेरी कोई भी आप मेरी हकीकत मेरी मेरी हकीकत मेरी मेरी दिल की मोहब्बत में, मेरे दिल में जो मोहब्बत है मौला अली सलाम और अहले बैत से बरहक देखते हैं। मैं कभी भी कुछ ऐसा अल्लाह के फजल से मैं डिनाई नहीं करता, और ये हर बात उनकी सच्ची होती है, हर सही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ आकर वही होती है ना, हर फिरकों में कहीं ना कहीं एक चीज़ कमियां हैं, तो मेरी नज़र में एक ये कमी लगती है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, जो जिनको भी अल्लाह अल्लाह हिदायत देने वाला है, बेशक अल्लाह हिदायत दे वाला। हमारी दुआ है कि हर मुसलमान को अल्लाह हिदायत दे कि अपनी जो उन कामों में लगा है, जो शिर्क है या गुनाह है, अल्लाह उससे बचाए उसको। बहरहाल तो गाइस ये आज की वीडियो थी, मैं रहूं या ना रहूं बहुत खूबसूरत था, और जो मैसेज था हुसैन अलैहिस्सलाम का वो इस मैं रहूं या ना रहूं में उन्होंने बयान किया है सब कुछ। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय इजहार कीजिएगा, और फिर से मैं आखिरी दफ़ा माजरत चाहता हूँ आप लोगों की दिल आज़ारी। अगर कोई भी, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप लोगों की दिल आज़ारी हो, मैं बस इतना कहूँगा कि कुरान और हदीस और अल्लाह के नबी की बातों को ज़रूर सुने कि वो क्या फरमाते हैं, अहले बैत क्या फरमाते हैं, प्लीज़ उस चीज़ को नोटिस कीजिए। मैंने आज तक जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, मैंने उस सब चीज़ों को मैंने बहुत क्लियरली देखना चाहा।